हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में मैं पुष्पेंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। इंजीनियर सिविल गुरुजी का स्टार्टिंग एक ही मकसद से हुआ है कि सारे सिविल इंजीनियर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़े कर दें। रीजन उसके पीछे एक ही है कि संगठन में शक्ति है। आपको एक कहानी जरूर मालूम होगा, रिसेंटली एक वकील को एक पुलिस वाले ने गाली दिया या कुछ बदतमीजी किया तो पूरी सिविल वो जो वकील की कम्युनिटी थी उन्होंने पुलिस थाने में आकर तोड़फोड़ किया, जान से मारने तक की कोशिश की। वो यूनिटी, काम गलत लेवल पे हुआ लेकिन एक यूनिटी थी रही। उसी तरीके से एक बिहार का एक केस हुआ कि डॉक्टर को एक बाहुबली ने जाकर तमाचा मार दिया कि तूने गलत काम किया, मतलब कोई दवाई गलत दिया होगा या गलत ट्रीटमेंट किया होगा या कुछ केस रहा होगा, तो पूरी डॉक्टर कम्युनिटी हड़ताल पे थी। उसी के साथ साथ सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उनका यदि उनको टैक्स का जो फीस होता है वो बढ़ाना होता है, जैसे कि आप इनकम टैक्स भरते होंगे तो 500 रुपये लोग लेते हैं, बैलेंस शीट बनाना है तो 1000-1500 रुपये लेते हैं, कंपनी का ऑडिट कराना है तो 1500 या 2000 या 3000 रुपये लेते हैं वो हर महीने जीएसटी भरने का। यदि उनको सेंट्रल लेवल पे फीस बढ़ाना है तो उनकी कम्युनिटी है, लेकिन सिविल इंजीनियर की एक कम्युनिटी नहीं है। आज भी सिविल इंजीनियर की बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो सैलरी पे नहीं कर रही है कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने काम करता है और उसके बाद भी कंपनी ये सोचती है कि हाँ और करने दो, 2000-4000 रुपये खर्चे दे दो यार, बाद में हिसाब करेंगे और ऐसे कुछ बदतमीजी करके उस इंजीनियर को जॉब से निकाल दिया जा रहा है। रीजन क्या है? यूनिटी नहीं है। यूनिटी कि आज भी जो बाहर की कंपनी है वो आपके स्टेट में जाके काम कर रही है और आपके स्टेट से वो इंजीनियर अपॉइंट नहीं कर रहा है। बहुत से कंपनीज का यही हाल है, जैसे कि गुजरात की कंपनी है तो पूरे स्टाफ वो इंडिया में किसी भी जोन पे काम करे उसके पूरे स्टाफ गुजरात के होंगे, मद्रास की कंपनी है तो उसके पूरे स्टाफ मद्रासी होंगे, कर्नाटक कंपनी है तो पूरे स्टाफ कर्नाटक के होंगे, महाराष्ट्र कंपनी है तो मराठी होंगे, पंजाब की कंपनी तो पंजाबी होंगे। ये रीजन वाइज कम्युनिटी के लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट का रूल है कि कोई भी कंपनी अपने दूसरे स्टेट में जाके काम करता है तो उस स्टेट से कॉन्ट्रैक्टर, लेबर, इंजीनियर, पूरा मेंबर 60% होना चाहिए, 40% ही वो ऑल ओवर इंडिया के दूसरे स्टेट को स्पेस देगा, बाकी 60% जो उसके यहाँ की वैकेंसी है वो उस खुद के कंपनी की होगी। मिनिमम बेसिक पे 18,000 है कोई भी इंजीनियर ग्रेजुएट होता है तो, जो भी इंजीनियर ग्रेजुएट है यदि वो अपने डिग्री के लेवल पे का काम कर रहा है एज अ साइट इंजीनियर, उसको पोस्ट मिला है तो उसकी मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये होनी चाहिए। लेकिन क्या हमारा एक प्रॉब्लम है कि हम तो 18,000 रुपये के लिए अड़े हैं लेकिन बहुत से ऐसे इंजीनियर है जो 10,000, 8,000, 12,000 रुपये में भी काम करने के लिए रेडी है। तो क्या होता है कि कंपनी जो होती है ना वो तो उसको तो कितना वो तो चाहेगा ना कि कम से कम रेट में ज्यादा से ज्यादा काम करवाएं। जब मार्केट का डिमांड और मार्केट की सप्लाई पे कंट्रोल होगा ना हमारा, तब जाके हम इस कम्युनिटी को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए हम पिछले 2.5 सालों से मेहनत कर रहे हैं और लगभग 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 20,000 इंजीनियर्स को हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया और ऑलमोस्ट वी आर ट्राइंग टू डेवलप ऑल द इंजीनियर्स लेवल। लेकिन 20,000 इंजीनियर बहुत कम अमाउंट होता है, बहुत कम क्वांटिटी होता है। एक साल पे लगभग 3 लाख सिविल इंजीनियर पास आउट होते हैं, 3 लाख, और उस 3 लाख के 20,000 मतलब समझ लो कि क्या हमने अभी किस छोटी सी मार्केट को पकड़ा है। हमको 3 लाख सिविल इंजीनियर और आज तक लगभग जो 10-15 लाख सिविल इंजीनियर पास आउट हो चुके हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है ताकि सबका लेवल बढ़े और सब एक लेवल पे कम्युनिटी की तरह काम करें कि कोई कंपनी किसी की सैलरी ना रोक पाए, कोई कंपनी किसी का हरासमेंट ना कर पाए। इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी हम स्टैंडर्ड पैटर्न ला के बैठा है कि जिसको व्हाइट कॉलर जॉब बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब के तरीके से हम काम कर सकें। ऐसा नहीं कि हम लेबर टाइप से 8 बजे से रात के 12 बजे तक काम कर रहे हैं। एक स्टैंडर्ड पैटर्न तभी ला सकते हैं जब सबकी यूनिटी होगी, कोई भी एक अलग जाके खड़ा होगा तो हम वो काम नहीं कर सकते। चलिए हम आज का प्रोग्राम चालू करते हैं कि किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। कल तक हमने सीखा था स्टेयर केस के ऊपर तक की कहानी, कॉलम्स और कॉलम की कॉन्क्रीटिंग कर दिया था हमने स्लैब बीम तक, अब स्टेयर कैसा काम करेंगे। कुछ लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि सर हमको ये ड्राइंग प्रोवाइड कीजिए, तो मैं माफी चाहूंगा आप सभी से, हम ड्राइंग इसलिए नहीं प्रोवाइड कर पाते क्योंकि इट्स अगेन कम्युनिटी गाइडलाइन ऑफ आर्किटेक्चरल एजेंसीज। जो आर्किटेक्चरल कम्युनिटी है वो ये कहती है कि आप फ्री पे कोई भी ड्राइंग, जैसे कि ड्राइंग्स हैं, आप किसी को भी फ्री पे ड्राइंग पब्लिश नहीं कर सकते। रीजन क्योंकि उनका ये मार्केट है। और इसी के साथ कोई भी हमारे चैनल पे आपको कभी भी ये नहीं दिखा होगा कि प्लान कैसे बनाए, ये कम्युनिटी के अगेंस्ट है। जो आर्किटेक्चरल कम्युनिटी है उसके अगेंस्ट है, वो कभी भी चाहें तो हम पे क्लेम कर सकते हैं कि आप आर्किटेक्चरल प्लान बनाना कैसे सिखा रहे हो विदाउट एनी परमिशन।
रीजन, क्योंकि इस ड्राइंग का वो चार्ज करते हैं और ये जो आर्किटेक्चरल वर्क है वो हमारा नहीं है, वी आर सिविल इंजीनियर्स, हम आपको हमारा कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, जो हमने बनाया है ये हमने बनाया है, ये जो फोटोज आपको दिया गया था ये फोटोज हमने बनाया है, तो इसके अगेंस्ट कोई कम्युनिटी गाइडलाइन नहीं है, इसलिए हम ये आपको प्रोवाइड कर पा रहे हैं। जो डिजाइन है ये डिजाइन सिर्फ और सिर्फ बेचा जा सकता है, मैं सीधी साफ बातों में कहूं तो, ये डिजाइन जो ड्राइंग्स है इट शुड बी ओनली सेल्ड आउट। लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसका डिमांड मत कीजिए, क्योंकि इट्स अ पेड कंटेंट और हम आप तक ये पहुंचा रहे हैं, तो जो भी मेरे से हो पाया वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे बहुत सारा चीज़ और प्रोवाइड करने वाले हैं यार, यदि आपके पास समय है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू लर्न इन प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म, और यदि आपके पास मौका समय नहीं है, आप कहीं दूर रह रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, बिजी हैं, तो आप ऑनलाइन के साथ बहुत आसानी से सीख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं स्टेयर केस का, और आपको बता दूं आज और मजा आने वाला है। आज हम पूरा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, कुछ उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला स्टेयर केस, स्टेयर केस में क्या क्या पार्ट होता है देखते हैं। ये स्टेयर केस का प्लान है, मैं सेक्शन दिखाता हूं आपको इसका, फोटो से जल्दी समझ आता है यार, इसलिए मैं हर जगह फोटो खोल के बैठ जाता हूं। ये देखो ये स्टेयर है और इसका ये एक इमेज है। इस इमेज में बात करें तो सबसे पहले लिखा है वेस्ट स्लैब स्टेप और लैंडिंग। ये जो नीचे की शटरिंग होती है ना, ये जो शटरिंग दिख रहा है आपको, ये वाली शटरिंग जो नीचे लगती है, ये देखो ये जो नीचे वाला प्लेट जो नीचे हॉरिजॉन्टल लगा है, इसको हम बोलते हैं वेस्ट स्लैब। ये पोर्शन है जो ये हमारा है वेस्ट स्लैब, ये पूरा जो हमारा है ये वेस्ट स्लैब। अब इस वेस्ट स्लैब का कॉन्क्रीट होगा, तो कॉन्क्रीट ही क्वांटिटी कैसे निकालेंगे देखो। अब समझो कि ये ऊपर का जो स्टेप है वो नहीं है, मैं यहां पे बना के दिखाता हूं। सिर्फ आपके पास ये वेस्ट स्लैब है, ये वेस्ट स्लैब है जिसकी थिकनेस ऑलमोस्ट 100 mm, थिकनेस 100 mm, लेंथ जितना ये वेस्ट का लेंथ है, और विड्थ ये आपका जो स्टेयर का विड्थ होगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए तीन डायमेंशन चाहिए होता है हमारे पास, लेंथ विड्थ हाइट। तो हाइट तो है 100 mm, लेंथ है आपका वेस्ट का लेंथ ये एल, और ये आपका विड्थ। तो इस पूरे सेक्शन पे हमारा वेस्ट स्लैब कास्ट होगा। अभी हम स्टेप की क्वांटिटी नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम सिर्फ वेस्ट स्लैब की क्वांटिटी निकाल रहे हैं। जैसे कि इसमें बात करें, देखो ये जो नीचे शटरिंग दिख रहा है, ये जो नीचे शटरिंग है ये येलो वाली, ये जो शटरिंग है वो वेस्ट स्लैब की शटरिंग है। तो वेस्ट स्लैब को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी हाइट 100 mm, तो वॉल्यूम निकालना है, तो 100 mm इंटू लेंथ इंटू विड्थ। तो वही यहां पे देखो वेस्ट स्लैब की क्वांटिटी, नंबर्स ऑफ वेस्ट स्लैब। यदि ये दोनों वेस्ट स्लैब का लेंथ सेम हुआ, ये लेंथ और ये इंक्लाइन लेंथ की बात कर रहा हूं मैं, तो इंक्लाइन लेंथ जो है यदि उसका लेंथ सेम हुआ, तो हम यहां पर नंबर में 2 लिख देंगे, नंबर्स में 2 लिख देंगे, दो नंबर। लेंथ कितना है इस वेस्ट का लेंथ, मैं यहां पे डब्ल्यू एल लिख देता हूं, वेस्ट स्लैब का लेंथ, तो यहां पे जो भी वैल्यू होगा उसको डब्ल्यू एल लिख देंगे। विड्थ आपका स्टेयर का विड्थ, ये विड्थ कितना है, स्टेयर विड्थ जनरली हम 3 फीट रखते हैं, 4 फीट रखते हैं, तो 0.9 mm लिख देता हूं मैं, 0.9 meter। अभी मैं इस ड्राइंग से बात कर रहा हूं, फिर हम अपने आर्किटेक्चर ड्राइंग पे जाएंगे। और हाइट 0.1 meter, 100 mm ये जो थिकनेस है वेस्ट स्लैब का, ये थिकनेस हमारा 100 mm का मान रहे हैं। ड्राइंग पे देखते हैं ड्राइंग पे क्या मेजरमेंट दिया हुआ है। देखो इसका ये सेक्शन दिया हुआ है, लेकिन आपको शायद उम्मीद है कि नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इससे जूम नहीं होगा ये, ठीक है। चलिए इसी में बात कर लेते हैं, ये जो स्टेप है, ये जो इंक्लाइंड है, ये जो इंक्लाइंड सेक्शन है, ये हमारा वेस्ट स्लैब का बॉटम, और स्टेप से नीचे का जो कटिंग होता है, जैसे कि ये मैं ड्राइंग बनाता हूं, ये हमारा वेस्ट स्लैब का और आपका स्टेप बना हुआ है, ये स्टेप बना हुआ है, इस पे जो ये सेक्शन होता है ना स्टेप के एंड को काटता हुआ, ये वाले पार्ट को हम कहते हैं वेस्ट स्लैब। क्लियर है? अब ये पार्ट तो हो गया, अब दूसरी दूसरी पार्ट का सेक्शन देखते हैं। दूसरा पार्ट देखो स्टेप्स, स्टेप्स में क्या, ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ये सारे स्टेप है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इस स्टेप्स पे रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ।
लेकिन हमको वॉल्यूम निकालना है, तो यदि हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। एरिया इंटू हाइट होता है अपना वॉल्यूम, तो एरिया निकालते हैं हम लेंथ 1/2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका लेंथ है वो हो जाएगा ट्रेड, जो हाइट है वो हो जाएगा राइजर, ट्रेड एंड राइजर, और जो विड्थ है वो आपका स्टेयर का विड्थ। यहां देखते हैं, ये देखो यहां कुछ अच्छे से दिखेगा। ये जो सेक्शन है यहां से हमने ये वेस्ट स्लैब हटा दिया, ये हमारा वेस्ट स्लैब है। तो ये जो सेक्शन है ये लेंथ हो गया ट्रेड, ये वर्टिकल हो गया राइजर, और ये जो सेक्शन है ये हो गया हमारा विड्थ। तो ट्रेड इंटू राइजर इंटू विड्थ, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारे एक स्टेप का वॉल्यूम, एक स्टेप का वॉल्यूम निकाल लेंगे हम। क्लियर है, वैसे नंबर्स ऑफ स्टेप, तो नंबर्स ऑफ स्टेप मल्टीप्लाई बाई 1/2, 0.5, तो 1/2 लिख दिया हूं इसको। लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लेंथ आपके ट्रेड, विड्थ आपका स्टेयर विड्थ, और हाइट राइजर। ट्रेड इंटू स्टेयर विथ इंटू राइजर और मल्टीप्लाई बाई नंबर्स ऑफ ट्रेड, कितने नंबर्स हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसका कैलकुलेशन होता है, 8, 9, 10 आप काउंट कर सकते हो, अदरवाइज कैलकुलेशन में हाइट से मल्टीप्लाई निकाल सकते हो। ये कितना हाइट है आपका, यदि 3 मीटर का आपका हाइट है, 3 मीटर हाइट है, और एक स्टेप का हाइट है आपका, एक राइजर है 0.15, तो 3 मीटर डिवाइड बाई 0.15, तो ये नंबर्स ऑफ राइजर निकल आते हैं। ठीक, ये आप बताऊंगा डिटेल पे। तो लेंथ इंटू स्टेयर विथ इंटू हाइट आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 इंटू नंबर से, तो आपका वॉल्यूम निकल गया। अब है लैंडिंग, आपने अभी तक क्या क्या कहा निकल लिया, ये वेस्ट स्लैब जो नीचे वाला था वो निकाल लिया है आपने, ये जो वेस्ट स्लैब है नीचे वाला वो निकाल लिया है, और आपने पूरा ये स्टेयर निकाल लिया है। सेम ऐसे इधर का भी काम हो चुका है, आपने स्टेयर और वेस्ट स्लैब का काम कर लिया है। अब बचा है आपके पास ये लैंडिंग, तो लैंडिंग करने के लिए ये लैंडिंग बचा है। तो रेक्टेंगल का वॉल्यूम निकालना बहुत आसान है, ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया, और ये हाइट हो गया, बहुत आसान है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। आप इसको एक साथ कंसिडर कर सकते हो, या फिर इसको दो कंसिडर करना है, तो एक और दो, तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा 2, लेंथ हो जाएगा हाफ पोर्शन का, ये हो गया आपका लेंथ, ये लेंथ, ये हो जाएगा आपका विड्थ, और ये हो जाएगा हाइट। क्लियर है, बहुत आसान होता है यार, बस प्रैक्टिस मैटर, कि कितना प्रैक्टिस आप कर रहे हो और कितनी सारी आपने ड्राइंग बना लिया है। इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको आपके नियरेस्ट जितने भी घर बन रहे होंगे ना, ये ड्राइंग की जरूरत नहीं है, मैं नहीं दे पा रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, आप अपने जो भी नियरेस्ट घर बन रहे होंगे वहां जाओ, कॉन्ट्रैक्टर को बोलो कि भैया इस घर का ड्राइंग दे दो, वो घर का ड्राइंग आप वहां से लेके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज आप जब यदि आपने जो भी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स खरीदा हुआ है, या गुरुजी खजाना, या कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस, उसमें भर के ड्राइंग पड़े हैं, वहां से आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, स्टेयर तो हो गया कॉन्क्रीट, अब बात करते हैं हम स्टेयर के शटरिंग का। तो स्टेयर के शटरिंग पे अब शटरिंग कहां कहां लगेगा, शटरिंग के लिए हमारे पास है, देखो यहां शटरिंग चीजें एक एक करके सॉल्व करोगे तो आसान होते जाता है सॉल्व करना। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा शटरिंग, वेस्ट स्लैब बॉटम, वेस्ट स्लैब का बॉटम, जो स्लैब का बॉटम होता है ना वो हॉरिजॉन्टल होता है, लेकिन वेस्ट स्लैब इंक्लाइंड होगा। तो ये जो पीला पीला दिख रहा है अंदर, जो थ्रू आउट लगा हुआ है नीचे, क्लियर है, तो ये हमारा वेस्ट स्लैब का शटरिंग है। इसका मेजरमेंट कैसे निकालेंगे, ये हमारा हो गया लेंथ, लेंथ और ये विड्थ, मतलब ये पूरा लेंथ हो गया और ये विड्थ, तो जो बॉटम पे रहेगा उसका शटरिंग निकल जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा लेंथ इंटू विड्थ, ये लेंथ और ये विड्थ हमारा निकल गया वेस्ट स्लैब का बॉटम। दूसरा है वेस्ट स्लैब साइड, अब ये इस येलो वाले की बात कर रहा है, ये कैसे होगा, देखो यहां स्टेप बनेगा, ये आपका वेस्ट स्लैब है, और वेस्ट स्लैब में बनेगा ये आपका एक पहला स्टेप हो गया, फिर दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, अगेन रेक्टेंगल ही बनेगा ये। तो रेक्टेंगल का शटरिंग कैसे निकालते हैं, तो इसका सब शटरिंग हमको निकालना है, इसका शटरिंग निकालना बहुत ही आसान है। देखो ये शटरिंग कैसा लग रहा है, एक तो वेस्ट स्लैब लगा हुआ है, अब ये शटरिंग लग रहा है यहां पे, ये पहला पार्ट है जिसका आपने निकाल रखा है, ये वेस्ट स्लैब साइड लेंथ इनटू हाइट, ये आपने लेंथ निकाला, ये लेंथ और इसकी हाइट, ये इसकी हाइट,
तो ये आपका निकल गया वेस्ट स्लैब की शटरिंग। लेकिन अब निकालना है आपको राइजर का फ्रंट, स्टेप, साइड फेस और लैंडिंग। तो राइजर का फ्रंट के लिए ये पोर्शन है, राइजर का फ्रंट जिसमें स्टेप बनता है, राइजर का फ्रंट यहां से बन जाएगा और राइजर का साइड फेस आपका जो ये इंक्लाइंड है, ये जो पोर्शन है ये आपके राइजर का साइड पोर्शन है, राइजर का साइड। अगेन ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के लिए व्यवस्था हो जाता है नंबर्स इनटू 1/2 इनटू लेंथ इनटू हाइट। लेंथ हो जाएगा आपका ट्रेड और हाइट हो जाएगा राइजर। तो लेंथ की जगह में आप ट्रेड का वैल्यू लिख दोगे, हाइट की जगह पे राइजर के वैल्यू लिख दोगे। तो स्टेप साइड फेस निकल गया, राइजर फ्रंट निकालना है। राइजर फ्रंट ये कहानी है आपके राइजर के फ्रंट का। तो राइजर के फ्रंट की कहानी क्या है, विड्थ इनटू हाइट, विड्थ इनटू हाइट। ये आपका स्टेयर का विड्थ, यहां से यहां तक स्टेयर का विड्थ हो गया और राइजर, और ये हाइट क्या हो जाएगा, राइजर का हाइट। ये स्टेयर का विड्थ, क्लियर है, स्टेयर विड्थ इनटू हाइट। एक बचा हमारा लैंडिंग, लैंडिंग लेंथ इनटू विड्थ। बहुत ही आसान है, सोचो यहां पे ये लैंडिंग है तो इसके बॉटम पे लगेगा बस। तो लैंडिंग का ये लेंथ हो जाएगा, ये लेंथ हो गया और ये विड्थ हो गया, ये विड्थ हो गया स्टेयर का और ये लेंथ, ये वाला लेंथ हो गया। बॉटम पे ही लगना है बस, बॉटम पे ही लगना है, देखो यहां पे ही लगेगा बस ये, और थ्रू आउट लगेगा। तो ये आपका विड्थ है और ये आपका टोटल लेंथ हो जाएगा। बहुत ही आसान है यार चीजें, एक एक चीजें समझ के जब कैलकुलेट करते हैं ना तो बहुत आसान हो जाता है। तो आपका निकल गया ये स्टेयर का कॉन्क्रीट और शटरिंग। इसकी अब बात करते हैं अपन आगे, स्टेयर के बाद अपन पहुंचते हैं नेक्स्ट है स्लैब बीम एंड स्लैब कॉन्क्रीट। स्लैब बीम एंड स्लैब कॉन्क्रीट थोड़ा सा ट्रिकी है, एक बार में समझ आ जाएगा ये। देखो स्लैब बीम और स्लैब कॉन्क्रीट क्या है, ये है आपका स्लैब और उसके बीम। इसमें मैं आपको ड्राइंग बनाता हूं, देखो ये जो पोर्शन है ये इट इज अ बीम। अगेन यहां पे ये जो सेक्शन है वो बीम है, यहां पे ये जो सेक्शन है वो बीम है। इसमें बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि क्या सर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम स्लैब में काउंट करेंगे कि बीम पे। तो भाई साहब ये बीम पे काउंट होगा। यदि आपके बीम का सेक्शन दिया है 200/300, यदि आपके बीम का सेक्शन है 200/300 तो ये जो आपका विड्थ है, ये जो विड्थ है ये है 200, लेकिन ये स्लैब के टॉप से बीम का बॉटम होता है 300। यहां पे भी ये स्लैब के टॉप से ये आपका बॉटम होगा 300, यहां पे भी स्लैब के टॉप से बीम का बॉटम होगा 300। क्लियर है? तो ये तीनों सेक्शन आप ध्यान रखना कि हमेशा जो बीम का जो डेप्थ हम चेक करते हैं वो स्लैब के टॉप से चेक करते हैं। बीम का साइज ही होता है विड्थ इनटू हाइट। तो जो स्लैब के टॉप से काम किया जाता है ना, दैट इज द वर्क ऑफ, ये हो गया हमारा बीम। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमको कॉन्क्रीट निकालना है, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है स्लैब बीम एंड स्लैब कॉन्क्रीट। तो पहले स्लैब बीम कॉन्क्रीट निकालेंगे। तो ड्राइंग देखते हैं सबसे पहला, तो आपका स्ट्रक्चर ड्राइंग, स्ट्रक्चर ड्राइंग पे स्लैब की जो डिटेलिंग दिया हुआ है, ये हमारा रेनफोर्समेंट हो गया, ये हमारा है फ्लोर बीम, ये देखो ये आपका स्लैब है। तो बीम का डिटेल दिया हुआ है, तो ये बीम पे कैसा लगेगा इसका सेक्शन मैं आपको दिखाता हूं। देखो यहां पे बीम है, ये बीम है, इसका सेक्शन कैसे दिखेगा, ये है नीचे स्लैब का सेक्शन, ये देख सकते हो आप एक्स एक्स जगह काटा है। तो ये पूरा आपका ये बीम है, ऊपर लगता है स्लैब, एक जगह इन्वर्टेड स्लैब भी दिया हुआ है। जब बाथरूम वाला पोर्शन होता है ना तो संक स्लैब होता है, तो स्लंग स्लैब में इन्वर्टेड बीम दिया हुआ है। इस ये वाले बीम को अपन इन्वर्टेड बीम भी कह सकते हैं क्योंकि ये स्लैब के बीम पे नीचे लग रहा है, तो एक स्लैब नीचे लगा है। जब हम बात करते हैं सेक्शन एक्स एक्स, यहां पे देखो ये लोअर बीम की बात कर रहा है, ये आपके बाथरूम का एरिया है। तो जो यहां से पाइप निकलेगा ना, तो आपने मैक्सिमम घरों में देखा होगा बीम को काट देते हैं, बीम को कटिंग करना पड़ता है बाथरूम का पाइप निकालने के लिए। लेकिन बुद्धिमानी यदि आदमी कर दिया तो यहां पे जो पाइप निकलेगा ये बाहर ही निकल जाएगा, ये आपका फ्लोर लेवल रहेगा। तो जो पाइप निकलेगा वो आसानी से बाहर निकल जाएगा यदि हमने बीम को उल्टा कर दिया है, तो स्लैब को नीचे करके। नहीं तो जनरली क्या होता है, जनरली केसेस में आपने देखा होगा यहां पे ये होता है स्लैब और उसका बीम।
तो यहां पे बीम को काटना पड़ता है हमको, तभी तो पाइप बाहर निकलेगा। लेकिन थोड़ा सा अपना ऑब्जर्वेशन सही किया, सुपरविजन आपका वर्क अच्छा है, तो बीम को आपने उल्टा कर दिया संक स्लैब के कंडीशन पे, तो आपको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी बीम को, बीम की जो कटिंग होती है। क्लियर है? हम बात करते हैं इसका मेजरमेंट का। तो मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास इसका पूरा डिटेलिंग होना चाहिए स्लैब का और इसके बीम का। तो हमको लेंथ चाहिए पहले तो कंक्रीट निकालने के लिए, जिस तरीके से हमने ग्राउंड बीम का निकाला था, कॉलम फेस टू कॉलम फेस, एक कॉलम के फेस से दूसरे कॉलम के फेस तक हमको लेंथ चाहिए। तो लेंथ के लिए क्या करेंगे? तो लेंथ के लिए जैसे कि यह है, ये पूरा लेंथ हमारा हो जाएगा बीम का लेंथ। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम के लिए लेंथ चाहिए। विड्थ की क्या बात करेंगे? तो विड्थ होगा हमारा ये बॉटम सेक्शन, ये जितना बीम का विड्थ है। अभी बीम का विड्थ चेक करना है तो वापस ड्राइंग पे आए और वापस ड्राइंग पे आके अपन चेक करेंगे कि बीम का विड्थ कितना दिया है। तो बीम का सेक्शन चेक करते हैं, यहां पे बीम का सेक्शन ये देखो 250 बाई 350। तो इसमें से विड्थ कौन सा और हाइट कौन सा है आपसे पूछ रहा हूं। इसमें से जो पहला डायमेंशन होता है ये होता है हमेशा विड्थ, तो 250 हमारा विड्थ हो गया है और हाइट कितना है 350। नाउ वापस आओ आपके फोटोज में, तो फोटो में यहां देखते हैं ये दिया हुआ है हमको 250 और हाइट कितना दिया हुआ है, ये हाइट दिया हुआ है 350। तो बहुत आसान है क्या लिखना? आप यहां से ये बीम सेलेक्ट करते जाओ, कहां कहां आपको कास्टिंग करनी है, किस किस जगह पे कास्टिंग हो गया है, ये एक बीम, दूसरा बीम, तीसरा बीम, चौथा बीम, पांचवा बीम, छठवा बीम, सातवा बीम, आठवा बीम, नौवा बीम, आप नंबर्स लिखते जाओ SB1, SB2, SB3, SB4, SB5, SB6 थ्रू आउट, जब तक आपका बीम खत्म नहीं होता। और यदि कुछ जगह सिमेट्रिक है, जैसे कि हमने अभी तक बात करते आ रहे हैं कि हमारे ड्राइंग में कुछ सिमेट्रिक ड्राइंग सिमेट्रिक फंक्शन है, तो सिमेट्रिक फंक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं कि ये वाला हमारा एक, ये दो और ये तीन, ये चार हमारा सिमेट्रिक है। उसी तरीके से बहुत सारे सिमेट्रिक हैं इस ड्राइंग पे। तो इसके लिए क्या करेंगे, नंबर्स चार हैं, बीम वन कितना है, एक दो तीन चार, तो हमने यहां पे चार लिख दिया। इसका लेंथ जो भी होगा, अभी मैं एग्जांपल के रूप में लिख लेता हूं 3 मीटर, तो यहां लेंथ में लिख दूंगा 3 मीटर। विड्थ मेरे को पता है 250 mm, 0.25, हाइट मेरे को पता है 0.35, इन चारों को मल्टीप्लाई करूंगा मेरा आ जाएगा टोटल। उसी तरीके से मैं सारे बीम को कैलकुलेट करूंगा, सारे बीम, एक भी बीम नहीं छूटेगा, सारे बीम को मैं कॉलम के एक फेस से लेके कॉलम के दूसरे फेस तक मेजरमेंट करूंगा, उसके वैल्यूज लिखते जाऊंगा, मेरा वैल्यू निकल आएगा कॉन्क्रीट का। इसके बाद इसी का स्लैब ही कॉन्क्रीट निकालना है, तो वापस अपन फोटो में चलते हैं। स्लैब किसको कहते हैं? तो बीम और स्लैब में थोड़े से लोग जो कंफ्यूज हो जाते हैं वो मैं यहां पे आपको दूसरे कलर से नोटिफाई करता हूं। देखो, बीम के फेस से, बीम का दूसरा फेस, इसको कहते हैं हम इस पोर्शन को, दैट इज स्लैब। स्लैब और ये कहां तक? ये एंड तक, यहां पे भी होगा, ये है हमारा स्लैब। क्लियर है? तो स्लैब ही कॉन्क्रीट निकालना है, तो अगेन लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो किसी को एक को लेंथ लेंगे अपन, तो ये हमारा हो जाएगा लेंथ, लेंथ यहां से लेके ये लेंथ, ये हो जाएगा विड्थ, विड्थ और स्लैब का थिकनेस हो जाएगा हमारा हाइट। तो स्लैब का थिकनेस हमको चाहिए, अगेन ड्राइंग से मिलेगा स्लैब का थिकनेस। देखो यहां ड्राइंग पे दिया है कि नहीं दिया है, ये देखो ड्राइंग पे दिया है क्या, कहां से देखें अपन स्लैब का थिकनेस, देखो यहां पे दिया होगा, यहां पे क्या दिया, स्लैब का थिकनेस अपन यहां से चेक कर सकते हैं, कहीं दिया होगा, टाइम लग जाएगा खोजने में, तो मैं आपको यहीं से बता देता हूं कि ये है पूरा, ये यहां से लेके यहां से लेके यहां तक ये है 375 और यहां टॉप से लेके यहां बॉटम तक ये है 500। तो स्लैब का थिकनेस निकल जाएगा क्या भैया? 500 में 375 माइनस कर देंगे तो ये थिकनेस निकल जाएगा हमारा। ये थिकनेस इतना माइनस कर दो ना, 500 में 375 माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 125। तो स्लैब का थिकनेस कितना है हमारा?
125 अपन यहां पे पुट कर देंगे स्लैब के कंडीशन पे। जब स्लैब कॉन्क्रीट निकालेंगे तो लेंथ, वापस फोटो में आते हैं समझने के लिए कि ये लेंथ जो स्लैब का लेंथ है वो, और ये स्लैब का विड्थ है, और थिकनेस है हमारा 125 mm। तो 125 mm थिकनेस में सड़ जाएगा, हाइट में आ जाएगा 125 mm, विड्थ एज पर ड्रॉइंग आ जाएगा जहां जहां आपकी विड्थ है। अब ये विड्थ निकालने के लिए आप यहां से चेक कर सकते हो अपने ड्रॉइंग से कि आपकी विड्थ क्या है, ये लेंथ और ये विड्थ, बस सबका। जिस तरीके से आपने फ्लोर पीसीसी की क्वांटिटी निकाली थी, फ्लोर पीसीसी करते वक्त हम क्या किए थे, बीम के एक फेस से बीम के दूसरे फेस तक, बीम के एक फेस से बीम के दूसरे फेस तक हमने मेजरमेंट किया था, ये दैट इज वन इज लेंथ और सेकंड इज विड्थ, और थिकनेस हमारा 125 mm है। तो हम सारे एरिया का, एरिया वन, एरिया टू, एरिया थ्री, एरिया फोर, एरिया फाइव, एरिया सिक्स, एरिया सेवन, एरिया एट, एरिया नाइन, या तो आप रूम का नाम भी दे सकते हो इसमें, रूम के नाम से भी आप इसमें कंसीडर कर सकते हो कि एक एक ड्राइंग को आप स्पेशली जब डिजाइन कर मेजरमेंट करते हो ना कि पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये सिमेट्री है, सेम उसी तरीके से ये और ये सिमेट्रिक हैं, ये और ये सिमेट्रिक हैं, मतलब ये पूरा का पूरा सिमेट्रिक ड्राइंग है, क्योंकि सेम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जितनी होती है ना सब सिमेट्रिक ड्राइंग में होती है, तो बहुत आसान हो जाता है आपको कैलकुलेट करना। तो स्लैब पे स्टेयरकेस एरिया वन, एरिया टू, एरिया थ्री, एरिया फोर, एरिया फाइव, आप पूरा का पूरा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो एक एक आइटम को, लेंथ, वेट, हाइट एंड टोटल। इसके बाद में शटरिंग लगाना है, बीम की शटरिंग और स्लैब की शटरिंग, एक कॉन्सेप्चुअल है, देखिएगा मैं आपको समझाता हूं कि स्लैब और बीम की शटरिंग में क्या कहानी है। वापस आते हैं हम हमारे फोटो पे, तो फोटो पे थोड़ा आसान हो जाता है सीख समझना कि ये देखो ये आपको एक और सेक्शन है। अब हमको शटरिंग लगाना है, ये जो आउटर बीम, ये इनर बीम की बात कर सकते हैं जिसके दोनों साइड स्लैब निकला है, यहां भी कंटिन्यूअस है, इधर भी कंटिन्यूअस है, तो ये इनर बीम कह सकते हो, जो आपके बिल्डिंग के इनर वाला होता है पोर्शन। मैं आपको सेक्शन बना के दिखाऊं, इसमें ज्यादा क्लियर होगा, यहां देखते हैं अपन, ये देखो कि ये आउटर बीम है, ये आउटर बीम है, ये इनर बीम है। तो आउटर बीम के जो आउटर साइड शटरिंग लगता है, ये यहां पे जो शटरिंग लगेगा, ये शटरिंग होता है आउटर साइड का शटरिंग, जो कि पूरा आपके बीम की हाइट का होगा, 350 mm में था तो 0.35 meters, क्लियर है। बॉटम पे भी लगेगा, बीम के बॉटम पे भी लगेगा, तो बीम के बॉटम कितना था, 0.25 meters। इनर फेस में भी लगेगा, इनर फेस पे भी लगेगा यहां पे, लेकिन इनर फेस में कितना लगेगा, स्लैब का थिकनेस काट के, क्योंकि ऊपर तो स्लैब है ना, ऊपर ये स्लैब है, यहां से स्लैब की शटरिंग आ जाएगी, तो ये जो हाइट है, ये हाइट हो जाएगा 350 mm में 125 माइनस कर देंगे, तो 350 में 125 माइनस करो, 350 माइनस 125, तो 5 4 में 2 गया 2, और ये 225 mm, तो इनर साइड कितना हो जाएगा, 225 mm। इस वाले बीम पे क्या होना है फिर, जो इनर का, ये तो आउटर बीम था, जो इनर का बीम है, तो इनर के बीम में दोनों साइड 225 225 होंगे, क्योंकि दोनों साइड स्लैब निकले हैं कंटिन्यूअस, इधर से भी स्लैब निकला हुआ है, इधर से भी स्लैब निकला हुआ है, तो इधर भी 225, इधर भी 225, और बॉटम तो 250 है ही। इस वाले फेस में क्या होगा, जो आउटर है, आउटर वाले में अगेन यहां पे आएगा, देखो ये इनर साइड का है तो 225, आउटर साइड का है तो 300 350, और नीचे साइड का है तो 250। इसको मैं आपको एक अलग सेक्शन यहां पर समझाता हूं एक बार और, वापस देखते हैं। देखो जो इनर साइड का है उसमें दोनों साइड आपका बीम निकला हुआ है, दोनों साइड स्लैब निकला हुआ है, कंटिन्यूअस होता है स्लैब, तो उसकी जो शटरिंग होती है, ये शटरिंग आउटर शटरिंग से कम होती है, आउटर फेस में जो शटरिंग होती है वो स्लैब के टॉप तक होता है, और जो इनर फेस में शटरिंग होती है वो स्लैब के बॉटम तक होता है। तो स्लैब के टॉप वाला का तो डायमेंशन है 350, क्योंकि वो बीम हाइट का है पूरा, और जो स्लैब के इनर वाला जो पोर्शन है वो है 225, क्योंकि वो स्लैब के बॉटम तक का है। तो ये फेस कैसे बनता है, इसको यदि मैं 2D में बनाऊं तो ये बनता है इस तरीके से। तो यहां पे क्या है, यहां पे तीन बीम है, पहला वाला बीम जो आउटर फेस में है, ये बीम है, इसको कलर चेंज करता हूं, ये देखो, तो शटरिंग लगेगा यहां पे नीचे और यहीं तक, सेम इसमें देखो यहां पे शटरिंग लगेगा सिर्फ यहां पे, ये सिर्फ नीचे नीचे लगेगा, और इस साइड में शटरिंग लगेगा यहां पे और इसके आउटर तक लगेगा।
तो जो आउटर फेस है उसमें सटरिंग की क्वांटिटी ज्यादा होती है, जो इनर बीम होते हैं उसमें सटरिंग की क्वांटिटी कम होती है। मेजरमेंट देखना, उसी तरीके से मैंने मेजरमेंट आपके लिए लेके आया हूं। तो सटरिंग को भी हम दो हिस्से में लिखते हैं क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाए इसलिए। तो उसको निकालने के लिए देखो, स्लैब सटरिंग, स्लैब बीम एंड स्लैब सटरिंग, स्लैब बीम सटरिंग आउटर साइड, जितने आउटर साइड वाले हैं पहले हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो अपने ड्राइंग पे हम देखते हैं तो आउटर साइड वाले कितने बिल्डिंग है, एक पोर्शन को समझा देता हूं ताकि आपको बड़ा इसमें समझ आए। तो यहां पे जितने ये आउटर वाले हैं, ये आउटर फेस है, ये आउटर फेस है, ये आउटर फेस है, जितने आउटर फेस वाले हैं उनको हम आउटर बीम के नाम देंगे स्लैब की क्वांटिटी, स्लैब शटरिंग की क्वांटिटी के लिए। रीजन है क्योंकि शटरिंग का मेजरमेंट अलग होगा। और इनर वाले कितने फेस है, ये सारे इनर वाले फेसेस है, ये सारे इनर वाले फेसेस हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर बीम का एक साइड आउटर होगा एक साइड इनर होगा, जितने भी इनर बीम में हैं वो चारों दोनों साइड के फेस आउटर इनर होंगे और सिर्फ आउटर फेस वाले ही आउटर फेस में कंसीडर होंगे। तो ये जितने रेड दिख रहे हैं आपको ये आउटर फेस है और जितने ब्लू दिख रहे हैं वो इनर फेसेस हैं। तो यहां पे भी हम स्लैब बीम आउटर, स्लैब बीम शटरिंग आउटर साइड, स्लैब बीम शटरिंग इनर साइड। तो मेजरमेंट कैसे होगा उसको मैं आपको समझाता हूं कि हम लेंथ के लिए क्या करेंगे। लेंथ के लिए जो आपका बिल्डिंग का कॉलम टू कॉलम लेंथ है, ये देखो कॉलम के एक फेस से कॉलम के दूसरे फेस तक, इसको हम बोलेंगे लेंथ। जिस तरीके से ग्राउंड बीम, लिंटल बीम, सील बैंड, ब्रिक वर्क और आपने अभी जो स्लैब बीम कॉन्क्रीटिंग के लिए लेंथ लिया था ना, वो वही लेंथ है। तो लेंथ निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप पहले से निकाल के रखे हुए हो लेंथ। यहां पे जो हाइट है उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो आउटर के लिए किस तरीके से निकालते हैं, देखो यहां पे मैं एक बीम बनाता हूं, ये हमारा स्लैब है, स्लैब इधर कंटिन्यू चले जा रहा है। तो जो आउटर फेस का शटरिंग कहां कहां लगेगा, यह शटरिंग लगेगा इस जगह पे कि यहां लगने वाला है। तो ये इसका अमाउंट कितना हो गया 350 mm, नीचे लगने वाला है, नीचे का अमाउंट है 250 mm, और इस साइड लगने वाला है तो इस साइड का अमाउंट है 350 में 125 mm का स्लैब का थिकनेस हमने माइनस कर दिया था तो बचा था 225 mm। अब तीनों को जोड़ दिए, 350 प्लस 250 हो गया 3, 2, 5, 1, 6, 7, 8, तो ये हाइट हो जाएगा हमारा 825 mm। 350 प्लस 250 700 हो गया, 3, 2, 5 और 1, 600 हो गया, 600 में 225 में ऐड किए तो 825 mm का हमारा हो गया हाइट। तो ये तीनों शटरिंग को हम एक साथ मेजरमेंट करके लिख देते हैं कि टोटल लेंथ में ये जो शटरिंग लगेगा ये तीनों एक साथ लगेंगे। क्लियर है, ये आपका निकल गया आउटर साइड का। इनर साइड का कैलकुलेशन के लिए फिर वहां पे आउटर में सब लिखते जाएंगे, स्लैब वन, स्लैब टू, स्लैब थ्री, जितने सारे आपके आउटर बीम है। अब जो इनर वाले हैं उनके लिए भी थोड़ा और आसान है कैलकुलेशन। तो देखो इनर साइड के लिए स्लैब बीम क्या होगा, इनर साइड के लिए स्लैब बीम होगा कि भैया स्लैब तो ऊपर ऊपर जा रहा है, नीचे नीचे से ही आ रहे हैं और ये सब इनर साइड के हैं। तो इनर साइड में एक साइड होगा 225, दूसरे साइड होगा भी 225, दूसरे साइड भी 225 और नीचे 250। तो 225 225 हो गया, 2, 2, 4, 4, 450 ऐड कर दिया हम इसमें तो 0, 0, 1, 4, 2, 6, 7, तो 700। तो यहां पे हाइट क्या जाएगा 700 में, लेंथ तो सेम रहेगा, लेंथ में कोई चेंजेस नहीं होगा जिस तरीके से आपने अभी तक मेजरमेंट करते आ रहे हैं। बस हाइट में जब हम बीम की शटरिंग की बात कर रहे थे तो दोनों साइड शटरिंग लग रहा था और दोनों का हाइट सेम था, ग्राउंड बीम पे दोनों का हाइट सेम था, लिंटर बीम पे दोनों का हाइट सेम था, सील बैंड में दोनों का हाइट सेम था। तो हमारा क्या पैटर्न था वहां पे कि नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे और लेंथ इनटू हाइट लिख दे रहे थे, काम आसान हो जा रहा था। लेकिन यहां पे ये केस नहीं है, यहां पे क्या हो जा रहा है कि आपको तीनों साइड शटरिंग लग रहा है, लेफ्ट भी लग रहा है, राइट भी लग रहा है और बॉटम भी लग रहा है। तो बॉटम में शटरिंग के लिए हमारा मेजरमेंट होता है लेंथ, जो आपका बीम का लेंथ है, हाइट के लिए हमने तीनों को ऐड कर दिया। ये तीनों तभी ऐड होंगे जब बॉटम पे ब्रिक वर्क आपने नहीं किया होगा। यदि आपने बॉटम पे ब्रिक वर्क कर दिया है तो बॉटम पे तो जिस तरह से ग्राउंड बीम के नीचे ब्रिक वर्क था तो हमने ग्राउंड बीम के नीचे का शटरिंग नहीं लिया था। लेकिन यदि ग्राउंड बीम के जो स्लैब बीम है आपने पहले ब्रिक वर्क किया हुआ है यहां पे, यदि आपने यहां पे पहले ब्रिक वर्क किया हुआ है तो यहां पे पहले से ब्रिक वर्क है
तो नीचे में सेटरिंग नहीं लगेगा, तो और आसान हो गया, 225 इधर 225 इधर, तो यहां पे हम लिख देंगे लेंथ इंटू यहां पे 450 या 2 इंटू लेंथ इंटू 225। क्लियर है, बहुत आसान है यार। इसके आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट स्लैब शटरिंग का। तो स्लैब शटरिंग के लिए क्या करते हैं, अब यहां पे स्लैब शटरिंग कहां लगेगा ये दिखाओ, कि स्लैब की शटरिंग लगने वाली है आपकी स्लैब के नीचे, तो स्लैब के नीचे वाला काम तो बहुत आसान होता है। स्लैब कहां से लगने वाला है, ये एक पोर्शन है और ये दूसरा डायमेंशन है, बस इसी में ही आपका स्लैब की शटरिंग लगने वाली है अंदर अंदर। तो ये लेंथ और ये विड्थ, तो बस लेंथ इनटू विड्थ आपका स्लैब की शटरिंग निकल जाता है। नंबर्स ऑफ, यदि आपके जितने नंबर्स कॉमन होंगे तो आप नंबर लिखते जाओगे। जैसे कि यहां पे वापस आते हैं अपने ड्राइंग पे, तो ये हमने ये बात किया था, ये स्लैब, ये स्लैब, ये स्लैब और ये स्लैब सेम है, तो नंबर पे क्या आ जाएगा यहां पे स्लैब की शटरिंग में नंबर 4। इसका लेंथ कितना भी आया यहां से, इसका लेंथ और इसका विड्थ, तो यहां पे आप लेंथ और विड्थ काउंट कर दोगे, जो भी आपके पास ड्राइंग है उससे आप कंसिडर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने अभी तक बात किया हमारे स्लैब शटरिंग, स्लैब कॉन्क्रीटिंग, स्लिप बीम शटरिंग, बीम कॉन्क्रीटिंग, स्टेयर की शटरिंग और स्टेयर की कॉन्क्रीटिंग। आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि स्लैब का शटरिंग कितने दिनों तक हम रखते हैं। यदि आपका स्लैब का स्पान लेंथ 4.5 मीटर तक है, 4.5 मीटर तक आपका स्लैब का स्पान लेंथ है, तो आप 7 दिनों में, सिर्फ 7 डेज में प्रॉप्स निकाल सकते हो, वर्टिकल प्रॉप्स है तो। और यदि आपका स्पान लेंथ 4.5 मीटर से ज्यादा है, 4.5 मीटर से आपका लेंथ, जो आपका विड्थ या लेंथ कोई भी एक डायमेंशन ज्यादा है, तो आपको उसमें शटरिंग लगाना होगा मिनिमम 14 डेज, 7 डेज का डबल 14 डेज लगाना होगा यदि आपका स्पान लेंथ 4.5 मीटर से ज्यादा है तो, चाहे वो 4.6 मीटर क्यों ना हो। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि हम जब भी प्रॉप्स निकाल लेते हैं, शटरिंग तो निकाल लेते हैं, लेकिन हम वर्टिकल बल्लिस लगा देते हैं मिनिमम 25% कि 4 प्रॉप्स की जगह 1 प्रॉप्स लगा देंगे हम। यदि आपके वर्टिकल प्रॉप्स 100 लगे थे तो कम से कम हम 25 प्रॉप्स लगा के छोड़ते हैं 14 दिनों तक, चाहे वो किसी भी कंडीशन पर रहे। और साथ ही साथ यदि आपका बीम, जो बीम का लेंथ 6 मीटर स्पान लेंथ है, जो 4.5 मीटर 6 मीटर से कम है, क्लियर है, यदि आपका जो बीम का स्पान लेंथ है 6 मीटर से कम है, तो आप शटरिंग का जो बॉटम है वो लगा के रखोगे मिनिमम 14 डेज, 14 दिनों तक। उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि स्लैब का लोड बीम पे आता है ना, तो स्लैब तो सेट हो जाता है, लेकिन बीम को लोड बियर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके लिए आप हमेशा बीम की शटरिंग स्लैब के शटरिंग से ज्यादा रखोगे। क्लियर है, यदि स्लैब 4.5 मीटर तक है तो 7 दिन आप शटरिंग रखोगे, और बीम 6 मीटर से है, 6 मीटर से कम है, तो उसकी शटरिंग रखोगे आप 14 डेज, और 6 मीटर से ज्यादा है तो आप 21 डेज शटरिंग रखोगे वर्टिकल प्रॉप्स। यदि आपने बॉटम का शटरिंग निकाल भी लिया तो आप वर्टिकल प्रॉप्स नहीं निकालोगे, निकालने के बाद आप तुरंत उसको लगा दोगे प्रॉप्स को। ये क्या बात हुई, ये बात हुई एस पर CPWD नॉर्म्स के तहत, आप शटरिंग के चैप्टर पे वो आप उसको आसानी से देख सकते हो। आगे बात करते हैं हमारे प्लास्टर की, कि 3 टाइप का मिनिमम प्लास्टर किया जाता है, कौन कौन से। पहला प्लास्टर है 6 mm, दूसरा प्लास्टर है 12 mm, तीसरा प्लास्टर है 15 mm। तो 6 mm प्लास्टर और 12 mm प्लास्टर और 15 mm प्लास्टर क्या होता है, 6 mm मतलब इतनी सी, पूरे RCC सेक्शन पे, या चाहे आप रिटेनिंग वॉल बना रहे हो, चाहे आप सीलिंग बना रहे हो, तो पूरे RCC सरफेस में 6 mm का प्लास्टर ही यूज किया जाता है। उसके पीछे का रीजन है, क्योंकि आपको कंक्रीट का जो सरफेस है वो पहले ही स्मूथ करने का पैसा दिया जाता है शटरिंग में। जो शटरिंग है जब आप उसको रिमूव करोगे तो पूरा का पूरा RCC सरफेस स्मूथ होना चाहिए। यदि आपका RCC सरफेस 5% से ज्यादा रहा, यदि आपका एक साइड का फेस है 100 स्क्वायर मीटर और 5 स्क्वायर मीटर से ज्यादा अनइवन है, तो वो आपको रिपेयर करना पड़ेगा। रिपेयर किससे करना पड़ेगा, 1:3 के मटेरियल से, 1:3 का जो मोर्टार होगा, 1 सीमेंट और 3 सैंड, तो वही मटेरियल आपको प्लास्टर में भी यूज करना पड़ता है। 6 mm का प्लास्टर एक तो वैसे ही वो इतना थिन, और उसके साथ साथ वो रिच मोर्टार नहीं होगा तो वो चिपकेगा नहीं सही से। तो रिच मोर्टार का मतलब 1:3 और 1:4 को हम रिच मोर्टार कहते हैं, अमीर मोर्टार जिसमें सीमेंट की कंटेंट ज्यादा होती है। एक इकोनॉमिकल मोर्टार आता है जिसको हम बोलते हैं 1:5, 1:6, दिस इज ऑल इकोनॉमिकल मोर्टार, कि आपको ब्रिकवर्क में और 12 mm प्लास्टर में, 15 mm प्लास्टर में आप जनरली हम यही यूज करते हैं। जब हमको 200 mm वॉल, फुल थिक वॉल की बात करते हैं, तो हम इकोनॉमिकल मोर्टार का काम करते हैं। और उसी के साथ एक और मोर्टार आता है जिसको पुअर मोर्टार कहते हैं,
जब हमको बाउंड्री वॉल बनानी होती है तो बाउंड्री वॉल में बोलते हैं कि हम तो मजबूती के लिए बनाते हैं, लेकिन यार बाउंड्री वॉल तो कोई भी कूद के आ सकता है ना, तो उस बाउंड्री वॉल पे हम पुअर मोर्टार का यूज करते हैं जिसके लिए हम 1:8 या 1:7 यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो जो पहला प्लास्टर है 6mm प्लास्टर, तो 6mm प्लास्टर में हम यूज करते हैं 1:3 या 1:4। अब इसको करेंगे कहां कहां पे? जितना आपका सीलिंग एरिया है। कौन सा एरिया है? सीलिंग एरिया मतलब कि जहां जहां आपने स्लैब के लिए शटरिंग लगाया था, जहां जहां आपने स्लैब के लिए शटरिंग लगाया था वहीं वहीं आप 6mm प्लास्टर करोगे। बीम पे भी आरसीसी है और कॉलम भी आरसीसी है, लेकिन वहां पे 6mm प्लास्टर नहीं करते क्योंकि वो ब्रिकवर्क के साथ प्लास्टर काउंट होता है। जो ब्रिकवर्क होगा उसके साथ काउंट होगा, उसको फेस मिलाते हुए, इसलिए हम बीम और आरसीसी के कॉलम पे, यदि वहां पे ब्रिकवर्क है उस कॉलम के साथ तो हम वहां पे 6mm प्लास्टर नहीं करते, हम उसको जो ब्रिक के फेस में हो रहा है वही प्लास्टर वहां पे कंसीडर करते हैं। तो 6mm प्लास्टर की सेम क्वांटिटी हो जाएगी, सेम एज इट इज आपके शटरिंग की क्वांटिटी जो आपके स्लैब में है, वही एरिया और वही लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू विड्थ। क्लियर है? अब बात करते हैं हम 12mm प्लास्टर के लिए। यहां पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि 12mm प्लास्टर और 15mm प्लास्टर कब यूज करते हैं, कहां यूज करते हैं, मैं आपको ड्राइंग में बताता हूं। तो जो 12mm का प्लास्टर है वो हम यूज करते हैं हमारे स्मूथ फेस में। अब स्मूथ फेस क्या होता है, ये आपको एक प्लॉट, एक आपको प्लान दिख रहा है जिस साइड, अब लेबर जब ब्रिकवर्क करते हो आपने देखा होगा, लेबर जहां ब्रिकवर्क करते हैं जहां धागा बांध के खड़े रहते हैं ना, उस सरफेस को स्मूथ कहते हैं क्योंकि वहां पे वो धागे को प्लम करते हुए वर्टिकल फेस और हॉरिजॉन्टल फेस मिला के चलते हैं। लेकिन जस्ट उसका जो अपोजिट साइड होता है वो थोड़ा सा अनइवन हो सकता है, उसको हम बोलते हैं रफ सरफेस। ब्रिक का साइज सेम हो सकता, सेम होगा तो सेम ही होगा, लेकिन वहां पे थोड़ा सा अनइवन होने के चांसेस होते हैं जिसको हम कहते हैं हमारा अनइवन सरफेस, या उसको आप कह सकते हो 15mm रफ सरफेस, 15mm के लिए प्लास्टर करते हैं, दैट इज कॉल्ड रफ सरफेस। अब वहां पे जो मैटर है काम करने का वो क्या है कि कैसे पता करेंगे कहां पे 12mm करना है कहां पे 15mm करना है। स्मूथ सरफेस होगा तो भाई 15mm 12mm करना है, तो क्या हर बार हम चेक करेंगे क्या कहां पे किस साइड लेबर बैठा है, कि इस वॉल को काम करने के लिए लेबर कहां बैठा है, इस वॉल को काम करने के लिए लेबर कहां बैठा है, इस वॉल को काम करने के लिए लेबर कहां बैठा है, इस वॉल को काम करने के लिए लेबर कहां बैठा है, ये तो हम चेक नहीं कर सकते भाई, बहुत बड़ा साइट होता है। तो जनरली हम क्या कंसिडर करते हैं, एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, जब हम मेजरमेंट करते हैं, या तो आप बिलिंग के लिए मेजरमेंट कर रहे हो चाहे आप एस्टिमेशन के लिए मेजरमेंट कर रहे हो, तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि वन साइड किसी भी वॉल को, हम ये ध्यान नहीं देते कि भैया किधर 12mm किधर 15mm, हम ये कंसिडर करते हैं कि एक साइड ये वाला साइड 12mm का है, ये पूरा साइड एक फेस में 12mm हुआ है, और इसी के जस्ट अपोजिट फेज में इस फेज में 15mm हुआ है। तो एक दीवार के दो फेस होते हैं, तो एक साइड को हम 12mm कंसीडर करते हैं, दूसरे साइड को हम 15mm कंसीडर करते हैं। इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा कह सकते हो आपको मेहनत वाला काम है, लेकिन ड्राइंग जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं कि हर एक लाइन को हम कैलकुलेट लिखते जाते हैं कि भैया यदि डब्ल्यू सी की बात कर रहे हैं तो इस फेज में 12mm, इस फेज में 12mm, अब ये दीवार में इधर 12mm हो चुका है तो यहां बताओ 12mm आएगा क्या? नहीं आएगा, यहां पे आएगा 15mm, यहां पे आएगा 15mm, इस फेज में भी नहीं हुआ है तो हम क्या बात करेंगे कि भैया यहां पे 12mm आएगा, यहां पे 12mm आएगा, यहां 12mm आएगा। अब अगेन 15mm की बात करें तो इस फेज में 15mm आएगा, इस पूरे बाहर वाले फेज में 15mm ले लेते हैं तो अंदर वाले फेज में हमको 12mm लेना पड़ेगा। क्लियर है? ये हम एक एक ड्राइंग पे सेट करते हुए चलते हैं, हर जगह जहां जहां आप 12mm रेड वाले को हम 12mm बात करें तो ये वाला 12mm का सेक्ट, ये वाला 12mm का जगह है, तो ब्लू वाला ये आपको ये 15mm होगा, यहां 15mm होगा प्लास्टर। हर एक जगह मेजरमेंट करते चलते हैं, जितना ज्यादा लेंथ है ये लेंथ, वो लेंथ हम यहां पे लिखते जाएंगे। 12mm प्लास्टर मतलब स्मूथ साइड, तो ग्राउंड GB1 भी नाम दे सकते हो क्योंकि नॉमिनेटर बचपन से चले आ रहा है इसका, ग्राउंड बीम को हमने GB1 दिया था, स्लैब बीम को GB1 दिया था, और ये GB1 आपको पहुंच जाएगा। या फिर आप रूम वाइज भी बात कर सकते हो कि बेडरूम के चार वॉल, फिर किचन के 2-3 वॉल, उस टाइप से भी नाम दे सकते हो, लेकिन हम GB1 कंसीडर कर रहे हैं तो GB1 ही चलने दो कंटिन्यूसली। अभी तक जिन्होंने भी पहला और दूसरा वीडियो अटेंड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन में नीचे दिया हुआ है, वहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में
फ्री वेबिनार के नाम से कुछ दिनों के लिए आपके लिए वीडियो वहां पहुंचाया जा रहा है, वहां से जाके रिकॉल अपना व्यवस्था कर सकते हैं। अभी तक जिन लोगों ने भी अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया ये कंटेंट, तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। यदि आपको मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो लाइक बटन ठोक के बहुत ज़्यादा है मेरा एनर्जी उत्साहित कीजिए। जितना अच्छा कमेंट आप लिख सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम है नीचे लिखिए, मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा। हो सकता है आज नहीं तो कल वाले वीडियो में दूंगा, क्योंकि आज तो ये प्रीमियर चलेगा, तो कल वाले वीडियो में आपके जवाब जरूर दूंगा। आप कंटिन्यू नीचे जवाब लिखते जाइए और आप आइए, हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। फिर डोर और विंडो का डिडक्शन, इसमें एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि डोर और विंडो का डिडक्शन, जैसी ही मैं एक ये फ्रेश ड्राइंग लेते हैं कि इस वाले वॉल पे हम अंदर से प्लास्टर कर रहे हैं 12 mm और बाहर से प्लास्टर कर रहे हैं 15 mm, तो क्या होगा इसका डिडक्शन? तो डिडक्शन पे ध्यान रखना, यदि आपका एरिया विंडो का साइज, जो आपका यहां विंडो क्या था 1.73 × 1.2, यदि इस विंडो का साइज 0.5 m² से कम होगा, नोट डाउन कर लेना हर जगह, 0.5 m² से कम होगा, तो इसका कोई भी डिडक्शन नहीं होगा दोनों साइड से।